चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। सेंटिनल आदिवासियों के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नीति दस्तावेज जारी किया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें उन्हें लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी पाएंगे। सेंटिनल आदिवासी है कौन, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बारे में बात करेंगे। यह चर्चा में क्यों है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वाणिज्यिक और रणनीतिक लाभ के लिए अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किसी भी शोषण से यहाँ रहने वालों के लिए खतरा हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि सेंटिनली आदिवासी एक सबसे निर्जन विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है जो द्वीप पर पूर्णतः अलग थलग रहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह नीति दस्तावेज अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ के कथित तौर पर द्वीप पर सेंटिनली द्वारा मारे जाने के लगभग 2 साल बाद आया है। ANSI के नीति दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। ANSI ने हाल ही में अपनी पत्रिका में प्रकाशित नीतियों के मसौदे को ड्राफ्ट ऑफ द ग्रेट एंडमनीज एंड सेंटिनलीज शीर्षक से प्रकाशित किया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नीति दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। ANSI ने हाल ही में अपनी पत्रिका में प्रकाशित नीतियों के मसौदे को ड्राफ्ट ऑफ द ग्रेट एंडमनीज एंड सेंटिनलीज शीर्षक से प्रकाशित किया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि द्वीप के लोगों के अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य का मुख्य कर्तव्य इन अधिकारों को लगातार और बिना किसी बाधा के बनाए रखना है, इसलिए उनके द्वीप को किसी भी वाणिज्यिक या रणनीतिक लाभ के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अगर पूर्व में ऐसा होने वाला था तो यह निश्चित रूप से इस पर रहने वालों के लिए एक मौत की घंटी होती। ये ना केवल देश भर में लगभग 70 PVTG से सबसे अलग थलग है, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 5 समूहों जिनमें ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और शॉम्पेन से भी अलग है। नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि सेंटिनली आदिवासियों की व्यापक जानकारी के लिए एक दस्तावेज संग्रह का भी निर्माण हो, क्योंकि इनके पास जाना संभव नहीं है, इसलिए इन आदिवासी समूहों पर अध्ययन करने के लिए एक निश्चित दूरी से एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका अध्ययन कर सकते हैं। ANSI ने नीति दस्तावेज के अंतर्गत इस आदिवासी समूह के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। ANSI के नीति दस्तावेज के अंतर्गत अंडमान क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों की सुरक्षा के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं, जैसे ग्रेट अंडमान भाषा को संरक्षण देना, इसे शिक्षा के अंतर्गत वहां के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग करना, अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाना, इसके प्राकृतिक संसाधनों को बाहरी आक्रमण से बचाना और महिलाओं और बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। सेंटिनल आदिवासी है कौन। सेंटिनल एक निग्रेटो जनजाति है जो अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। इनकी संख्या करीब 50 से 100 के बीच में बताई जाती है। सेंटिनल आदिवासी करीब 60,000 वर्षों से घुमंतू शिकारियों की तरह सेंटिनल आइलैंड पर रहते आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार द्वीप पर 15 सेंटिनल थे, जिनमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने सेंटिनलों को विशेष तौर पर अति संवेदनशील आदिवासी समूह अर्थात PVTG के रूप में चिन्हित किया हुआ है। सरकार की तरफ से इनकी सुरक्षा कैसे की जाती है। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 जारी किया है, जिसमें जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को
आरक्षित घोषित किया गया है और प्राधिकरण के अलावा सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जनजाति के सदस्यों का फोटो खींचना या फिल्म बनाना एक अपराध है। बाद में दंड बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन भी किया गया, लेकिन हाल ही में कुछ द्वीपों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिटों में छूट दी गई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अर्थात PVTC क्या होते हैं? गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों अर्थात PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। PVTG 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास योजना कार्यान्वित करता है। PVTG के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका तथा कौशल विकास, कृषि विकास, आवास तथा अधिवास, संस्कृति का संरक्षण आदि क्षेत्रों में क्रियाकलाप किए जाते हैं। 75 सूचीबद्ध PVTG में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में है जो कि 13 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है जो कि 12 है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।